हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। जब आप कोई फ्लैट परचेस करने जा रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से लीगल पेपर्स आपके पास होना चाहिए, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉपी ऑफ डीड ऑफ कन्वेंस। यहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कॉपी ऑफ डीड ऑफ कन्वेंस यानी कन्वेंस डीड और सेल डीड में एक थिन लाइन डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ये चीज को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक एसएससी है, वो है मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन ने मिस्टर सचिन से वो फ्लैट खरीदे हैं। अब आप मिस्टर अर्जुन से वो फ्लैट खरीद रहे हो। इस केस में मिस्टर अर्जुन के पास उस प्रॉपर्टी का सेल राइट होना चाहिए यानी कन्वेंस डीड होना चाहिए। अगर मिस्टर अर्जुन ने मिस्टर सचिन से वो फ्लैट खरीदे हैं तो जब वो फ्लैट खरीदे थे तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है यानी उसका जो सेल डीड है उसी को हम लोग डीड ऑफ कन्वेंस मान लेंगे। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर अर्जुन को ये प्रॉपर्टी मिस्टर सचिन से मिला है ड्यू टू इनहेरिटेंस। इस केस में कन्वेंस डीड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे अहम है, क्योंकि इसमें सेल डीड नहीं है। और सेल डीड इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेल हुआ ही नहीं पहले, मिस्टर अर्जुन को यह प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिला है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करने होंगे कि मिस्टर अर्जुन के पास वो प्रॉपर्टी सेल करने का लीगल राइट है कि नहीं। इसके लिए आपको डीड ऑफ कन्वेंस चेक करने होंगे। अगर हम बात करें कोई लैंड की, तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो कभी भी हम लोग बेच नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी लीज में लिया गया है। हालांकि अगर हम लोग लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को अगर हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में कन्वेंस डीड बनाने पड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कॉपी ऑफ अप टू डेट म्युनिसिपल टैक्स रिसीप्ट। जो फ्लैट या अपार्टमेंट है जो आप खरीदने जा रहे हो, अगर वो म्युनिसिपल लिमिट में आ रहा है तो उस केस में आपको अप टू डेट म्युनिसिपलिटी टैक्स रिसिप्ट लेने होंगे। और अगर ये पंचायत में है तो पंचायत से आपको लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट जो है वो लेने होंगे। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट को दलील खारिज भी बताया जाता है। म्यूटेशन जो है वो दो किस्म का होता है, एक होता है BLRO म्यूटेशन और दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटी म्यूटेशन। जब आप कोई अपार्टमेंट का कोई फ्लैट परचेस करने जा रहे हो तो उस केस में BLRO म्यूटेशन जो है वो सेकेंडरी इशू है। उस केस में आपको म्यूनिसिपैलिटी म्यूटेशन को सबसे पहले अहमियत देने होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्ट में क्या बताया जाता है। देखिए, म्यूटेशन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड एंड द फी पेबल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसमें बताया जा रहा है कि स्टेट टू स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो म्यूटेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेलिटीज है, फीस है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। पर मोटा तौर पर देखा जाए तो म्यूटेशन जो है वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्डिंग होते हैं। अगला पॉइंट है कॉपी ऑफ बिल्डिंग प्लान। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक फ्लैट है वो नया बना है तो उस केस में प्रोमोटर जो है वो उस बिल्डिंग को डेवलप किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी एक बिल्डिंग बना हुआ है और वहाँ पे एक फ्लैट है, आप उस फ्लैट को परचेस करने जा रहे हो। दोनों ही सिनेरियो में आपको बिल्डिंग प्लान लेने होंगे। फर्स्ट सिनेरियो में आपको प्रोमोटर या डेवलपर से बिल्डिंग प्लान लेने होंगे और सेकेंड सिनेरियो में जो ऑलरेडी वो फ्लैट का ओनर है उसी से आपको बिल्डिंग प्लान लेने होंगे। अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है फ्लोर प्लान। ये फ्लोर प्लान आपको जो फ्लैट का ओनर है उसी से लेने पड़ेंगे। हालांकि अगर फ्लोर प्लान अवेलेबल नहीं है तो आप म्यूनिसिपैलिटी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से कोई सर्टिफाइड चार्टर्ड इंजीनियर आके मेजरमेंट लेके फ्लोर प्लान बना देंगे। इसके लिए कुछ मिनिमम चार्जेस लगते हैं और 2 से 7 दिन के अंदर ये फ्लोर प्लान बन जाता है। अगला पॉइंट है CC यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब कोई बिल्डर या प्रोमोटर कोई बिल्डिंग प्लान को डेवलप कर लेते हैं तब उसको सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी से CC लेना पड़ता है। तो आपको भी ये CC जो है वो ऑब्टेन करने होंगे बिल्डर से या जो फ्लैट का जो ओनर है उससे। अगला पॉइंट है कॉपी ऑफ ओनर्स एलोकेशन लेटर इशूड बाई म्यूनिसिपैलिटी। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये आपको डेवलपर से या फ्लैट का जो ओनर है जिससे आप फ्लैट खरीद रहे हो उस हिसाब को मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कॉपी ऑफ पर्चा। पर्चा जो है एक्चुअली वो रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ये आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसे मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ
तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की, आप वहां से पर्चा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉमिनल 20 या 30 रुपए देने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। जो फ्लैट का ओनर है उसी से आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल वो लेने होंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। यहाँ पे बताया जाता है कि सर्चिंग रिपोर्ट ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी किस किस से हाथ से गुजर के आपके पास आ रहा है, इसका पूरा आपके पास एक डिटेल होना चाहिए। उसके साथ आपको ये भी चेक करने होंगे कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो यानी कि जो फ्लैट खरीदने जा रहे हो, वो फ्लैट किसी बंदे ने हाइपोथिकेट करके लोन तो नहीं उठाई, ये भी आपको चेक करने होंगे। यानी आपको मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन का भी चेकिंग करने होंगे। लास्ट जो फॉर्मेलिटीज है वो है कि बायर और सेलर दोनों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा और आप आज इस वीडियो से बहुत कुछ नया चीज़ सीख पाए हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।